पुलिस है बहुत ही प्रोफेशनली हर एक प्रोग्राम को जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं बहुत ही बखूबी से उसको कंडक्ट करवाती है। तो अभी G20 समिट भी है तो उसके लिए भी हमारी तैयारियां हैं, कुछ महीने से चल रही हैं। और इसमें ऑफ कोर्स एक तो मल्टीपल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन लगातार बना हुआ है और हर इवन एक्चुअलिटी के लिए एक कंटिजेंसी प्लान है। इसके साथ ही काफ़ी स्टाफ भी डिप्लॉय होगा। तो सबसे पहले तो है ट्रेनिंग, तो इन हमारे जो स्टाफ ने डिप्लॉय होने उनकी ट्रेनिंग है वह कुछ महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। तो इसमें नंबर वन था सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि विदेश से काफ़ी पर्यटक भी आएंगे, डेलीगेट्स भी आएंगे, पत्रकार भी आएंगे, तो उनसे डील करने के लिए सबसे पहले इनकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग शुरू की गई थी। इसके बाद इनकी जो स्पेसिफिक ड्यूटी पॉइंट्स रहेंगे वहाँ पर जो इनकी स्पेसिफिक ड्यूटी होगी इससे संबंधित भी इनको ट्रेनिंग करवाई गई है। और वो एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट भी है ताकि वे प्रैक्टिस भी करें। अगर कोई चेकिंग फ्रिस्किंग में है तो उनकी उसमें ट्रेनिंग करवाई जा रही है, कोई एक्सरे मशीन्स के ऊपर है तो वहाँ करवाई जा रही है, कोई कारकेड्स के साथ है सिक्योरिटी में है तो उनकी करवाई जा रही है, फायरिंग प्रैक्टिस है वह भी करवाई जा रही है, कमांडोज हमारे ऑलरेडी तैयार हैं। तो ये तो हमारी ट्रेनिंग है जो हर एस्पेक्ट में करवाई जा रही है। इसके अलावा जो प्लेस ऑफ वेन्यू है उसके ऊपर भी मल्टीपल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है कि कैसे हमने समन्वय बनवा के एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करवाना है। वो भी एक कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है जो बहुत महीनों से चल रही है। अरेंजमेंट डिलीवरी से अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो अगेन क्योंकि हमें पता ही था कि ये प्रोग्राम होने वाला है तो बहुत महीने पहले ही इसके ऊपर भी हमारी एक्सरसाइज एक्सटेंसिव चली है। और जो भी हमारी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं चाहे वो वेपन्स की हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की हों, DFMDs की हों, एक्सरे मशीन्स की हों, तो इन सबको हमने प्रोक्योर किया है और हम बिल्कुल अब प्रिपेयर्ड हैं इस इवेंट को होस्ट करने के लिए और बहुत सक्सेसफुली होस्ट होगा। मैम, क्योंकि रहेगा बाहर के जो फॉरेन डेलीगेशन है वो मौजूद रहेंगे, तो ट्रैफिक का किस तरह से रहेगा, उसका पूरा रोड मैप क्या रहेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे 41 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इसके साथ बहुत सारे और डेलीगेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मीडिया पर्सनल भी हैं जो पूरे विश्व से आ रहे हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए। तो उसके लिए हमारा ट्रैफिक बहुत ही अलर्ट है और इलेबोरेट इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है कि क्या क्या रूट्स रहेंगे और कैसे उन्होंने ट्रैफिक को मैनेज करना है, और ये भी बहुत स्मूथली ही जाएगा। मैम, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग भी है, लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, तो उसमें क्या कोई मुश्किल होगी या किस तरह से रहेगा वो, उस बारे में थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में राइट हैंड है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का इश्यू रहता है, तो लेकिन लॉजिस्टिकली हम तैयार हैं और हमारी ट्रेनिंग बरकरार है और इस एस्पेक्ट के ऊपर भी सोच विचार किया गया और इसके भी सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। मैम, हेड ऑफ स्टेट जो है वो बाकी सिक्योरिटी और वहाँ का अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा और कैसे दिल्ली पुलिस का रोल रहेगा उस जमीन जगहों पे? देखिए जब सिक्योरिटी की बात करें और इंडिया इसको होस्ट कर रहे हैं और दिल्ली मेन इसका फोकस है कि दिल्ली में ये हो रहा है, तो ये इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर दिल्ली पुलिस कि हम इतना बड़ा इवेंट है उसको होस्ट कर रहे हैं और इसकी सिक्योरिटी के जिम्मेवार हैं। तो ये सिर्फ इवेंट जहाँ पर हो रहा है ITPU वहाँ पर लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर जब वो लैंड करेंगे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से लेके कारकेड की सिक्योरिटी, रूट की सिक्योरिटी, प्लेस ऑफ स्टे की सिक्योरिटी और ऑफ कोर्स जहाँ पर मेन इवेंट होने हैं उसकी, ये सब दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। और इसमें मल्टीपल एजेंसीज हैं जो हमारे साथ हैं, हर एक कोई अपना रोल समझ के तालमेल के साथ इसके ऊपर काम कर रही है।